हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाउमीन की रेसिपी कि घर पे हम किस तरीके से मार्केट जैसी स्पाइसी चटपटी चाउमीन बना सकते हैं। तो कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और बहुत बार क्या होता है कि घर पे हमारे ये नूडल्स टूट जाते हैं, ज़्यादा गल जाते हैं, तो इनको कितना पकाना है क्या ये सब आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये खोलते हुए पानी में मैंने नूडल्स को डाल दिया है और इनको हम 1 मिनट या 1-1.5 मिनट ही इसको रखेंगे हम पानी में, क्योंकि पानी उबलता हुआ पानी था। तो जैसे वो सॉफ्ट होते हैं हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा निकल आना है नहीं तो वो टूट जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो जिससे हमारे नूडल्स सेपरेट रहे, बने वैसे के वैसे। तो अब इस तरीके से हम इनको एक छन्नी वाली परात में धो लेते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडे पानी से भी इसको वॉश कर लिया है, और इनको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे 10-15 मिनट, जब तक ये अच्छे से ठंडे ना हो जाए तब तक, क्योंकि गर्म फिर से टूट सकते हैं बनाते समय। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जितना हम सब्जी बनाने के लिए लेते हैं उतना ही ऑयल लिया है, और इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज और एक टुकड़ा शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये पत्ता गोभी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी की तरह नहीं पकाना है, इनको हल्का सा भूनना है, और फिर उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, क्योंकि जो चाउमीन की ये सब्जियां होती हैं ये बिल्कुल पकी हुई नहीं होती हैं, अधपकी होती हैं, तो ऐसे ही हमें पकाना है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि चाउमीन जो होती है वो स्पाइसी होती है, और नमक ये देखिए स्वाद के अनुसार लिया है। और वैसे तो इसमें ग्रीन मिर्च भी डालते हैं, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा लिया है। और आपने कितनी चाउमीन बनानी है उसी के हिसाब से ये इन्ग्रीडियंट्स आप यूज करेंगे। मैं यहाँ पर 1 प्लेट बना रही हूँ तो उस हिसाब से डाल रही हूँ। और यह है विनेगर सॉस और सोया सॉस, जो कि चाउमीन के साथ ही था मार्केट से, तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे। अभी नहीं डालेंगे, पहले चाउमीन डालेंगे, उसके बाद ऊपर से उसको भी डाल देंगे। तो चाउमीन ये हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है और एक भी नूडल्स टूटा नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको उबाला था, और अभी भी हम इसको किस तरीके से मिलाएंगे। तो एक हाथ में मैंने फोक ले लिया है और एक में करछी, इसको बीच से नहीं, ऐसे सब्जी की तरह उलट पलट नहीं करना है नहीं तो वो चाउमीन टूट जाएगी। इसको साइड से ऐसे हल्के हाथों से उठाना है और इसे मिक्स करना है मसालों के साथ, ये देखिए, और बिल्कुल मार्केट के जैसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप 1 बड़ा चम्मच के बराबर, और सोया सॉस विनेगर सॉस मैंने डाल दिया है। अब इनको फिर से ऐसे ही मिला लेंगे, ये देखिए, और जितने में हम मार्केट में ख़रीदते हैं बनी बनाई प्लेट, उससे आधे में हमारे घर पे बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी जो चाउमीन है वो न टूटी है न ज़्यादा गली हुई है, इसी तरीके से हमें मार्केट में मिलती है और वैसे हमने घर पे बनाया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी को लेके। तब तक के लिए हेल्दी रहिए।